वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगदलपुर. इट्स एट एट तो है ना, आज की सेवन है का, सहा सात आठ आठच है. 8th of September 2022. और आज फाइनली हम यहाँ से साइट सीइंग के लिए निकलने वाले हैं. वैसे गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड आफ्टरनून, ये सवाल है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:30 ऑलमोस्ट. रात को आके थकने की वजह से जो सो गए थे, सुबह 8 बजे से पहले उठे नहीं. तो उसके बाद आराम से अभी नाश्ता वगैरह सब हो गया, रूम सर्विस पे ही ऑर्डर कर दिया था. सो नाउ इट्स टाइम टू लीव. टुडे वी आर गोइंग टू कवर तीरथगढ़ वाटरफॉल, एंड इफ लक इज ऑन आवर साइड, अपना कुटुमसार केव्स करके एक वहाँ पे कांगर घाटी नेशनल पार्क में केव्स है जो बारिश के समय बंद रहती है. बट सिंस देयर हैज बीन नो रेन्स फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज नाउ, ऐसा होटल रिसेप्शन पे बोल रहे थे कि वो केव्स ओपन हो सकती है. तो अगर वो ओपन रही तो वो केव्स भी हमें देखने मिलेगी, बिकॉज व्हेन आई केम फॉर द लास्ट टाइम ऑगस्ट एंड में आया था मैं, 2019 या 18 के, उस टाइम पे भी वो केव्स बंद थी, मुझे देखने नहीं मिला था. बट ऑफकोर्स दैट टाइम इट वॉज टोटली फ्लडेड. मतलब चित्रकूट वाटरफॉल का इंस्टाग्राम पे जो मेरा 2018 का पिक है वो देखिए आप, आई विल पुट द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन. मतलब उतना फेरोशियस वाटरफॉल शायद ही कभी देखा होगा. तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रेन्स की वजह से हुआ था, तो उस टाइम पे केव्स ओपन होना पॉसिबल ही नहीं था. लेकिन आज तीरथगढ़ वाटरफॉल तो जाएंगे ही, केव्स भी ओपन होने के चांसेस है. सो अभी निकलते हैं रूम पर से एंड विल कवर दिस पार्ट टुडे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल. यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स. वेल, दिस इज द होटल वी आर स्टेइंग एट, सो ब्यूटिफुल. हमारे रूम में अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, बिकॉज प्रियंका इज ऑल रेडी टू लॉक इट. लेकिन उससे पहले ही वो मेन की कार्ड में से ईवा ने चाबी निकाल ली है. तू बस काढ़ो खात, मी चालले चावी घेऊन, कारण चावी मला काढायची. एनीवेज फाइनली अराउंड 12 नून अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स तीरथगढ़. लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल. एंड दिस इज द शो स्टीलर, इतना ब्यूटिफुल पेंटिंग है टस्कर का, आई लव इट. एंड एज वी वॉक डाउन टूवर्ड्स द रिसेप्शन, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है, वो भी बहुत प्यारी है. दिस सो ऑल इन ऑल इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड कारवा इन. जगदलपुर से चित्रकूट के रूट पे है, अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम जगदलपुर टाउन. यू कैन सी द नेम बिहाइंड मी, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, टोटली रिकमेंडेड. फूड भी बहुत अच्छा है, दे हैव अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, अच्छा खासा क्विजिन ऑप्शन है, एंड एवरीथिंग इज टेस्टी, क्वाइट टेस्टी. सो टुडेज टोटल ड्राइव वुड बी समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स, लेकिन उसके बीच में दो तीन साइट सीइंग प्लेसेस है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. होपफुली सब कुछ ओपन मिलेगा, वेदर अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा, चलते हैं. गूगल सा म्हणणं आहे की 32 किलोमीटरचा जर्नी आहे तीरथगडपर्यंत, तो आम्ही 40 ते 42 मिनिटात कंप्लीट करणार. त्याच्यातले ऑलमोस्ट किती माहिती आहे, आम्ही अर्धा डिस्टन्स तर आलो आहे. आता राहिलं आहे हे बघ काय करशील याला. एक TFT डिस्प्ले असे असतात, हॅरियरचा डिस्प्ले फोनमध्ये दिसत असतं. तर मी सांगतो तुम्हाला 29 मिनिट्स रिमेनिंग फॉर 19 किलोमीटर्स जर्नी. लेकिन अभी यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है और ट्रेन जा रही है, इनफैक्ट जा चुकी है. सो पिछले 5 मिनट तो यहीं पे खड़े थे, उसकी वजह से वो टाइम बढ़ रहा है. बट द रोड्स ओवर हियर आर सिल्की स्मूथ, बटरी राइड. और वैसे भी इस गाड़ी में खड्डे वगैरह ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे. सो यस, प्रीटी एक्साइटेड. तीरथगढ़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़, और इट्स लाइक अम्ब्रेला फॉल, मतलब बहुत बड़ा कवरेज है उसका. देखेंगे तो पता चलेगा आपको, आई शो यू वंस आई रीच. आणि आता हे उघडण्याची वाट बघत आम्ही थांबलेले आहोत, आणि इकडे मॅडम फोनमध्ये हरवलेल्या आहेत नेहमीप्रमाणे, म्हणजे घरी असो बाहेर असो, फोन फोन फोन, नुसतं फोनचं व्यसन लागलेलं आहे. हा एकदम आतू सारखं आहे ना, दोघी पण तशाच आहेत, फक्त फोन. आता शूट करण्यासाठी फोन वापरला तर काय प्रॉब्लेम आहे, दुसरा कशात शूट करू मग, दुसरा काय ऑप्शन आहे?
बघा ना उगाच काही म्हणजे म्हणजे स्वतःला डिफेंड करायचं मग काही बोलायचं तू कशामध्ये शूट करतोय कॉमेडी होत आहे तर जाऊ दे हा ना सो बेसिकली आतू पुट्टाची वागात इथे मतलब खाया पिया कुछ नाही फोन देखा बारा ना जस्ट 8 किलोमीटर्स बिफोर तीरथगढ़ हम लोग ने कांगर घाटी नेशनल पार्क में एंट्री कर ली है एंड एज सुन एज वी एंटर्ड द नेशनल पार्क रोड आधा हो गया है और जंगल डबल हो गया मतलब इट्स लाइक अ स्ट्राइकिंग चेंज एक ऐसे गेट था गेट जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू कांगर घाटी नेशनल पार्क और उस गेट से पहले जो सीन था मतलब रोड एकदम डबल लेन का बड़ा रोड और साइड में सब घर वर सब थे और जैसे ही वो गेट क्रॉस किया एक स्टेप का डिफरेंस और टोटली सीन चेंज हो गया मतलब अभी यहाँ पे एक भी घर नहीं है कुछ भी नहीं है ऑफ कोर्स नेशनल पार्क में घर तो रहेंगे नहीं बट स्टिल इट्स अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस रोड भी छोटा हो गया है अभी हाँ आता अपन प्रियंका विचारी आता प्रियंका कसं वाटतंय आता ऍक्च्युअल तू एका घनदाट जंगलामध्ये छत्तीसगड मधल्या सो अच्छा आता 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 जरा कॉन्फिडन्स आला का जास्तच दोन दिवस आहे नाही छत्तीसगडमध्ये म्हणून कॉन्फिडन्स आला ही मला सगळं कळतं बॅड लक कांगर घाटी नेशनल पार्क का गेट बंद है और अभी कोई भी आपको कहीं से भी अगर बताता है कि बारिश कम होने पे केव्स खुली रहती है वगैरह तो उस पर भरोसा मत करो क्योंकि वहां पे वॉचमैन ने क्लियरली बता दिया बारिश हो या ना हो वो कोटमसार केव का वो जो रूट है और केव्स को जाने वाला रास्ता और केव्स इटसेल्फ विल ओपन ओनली ऑन अक्टूबर 2nd एवरी ईयर मॉनसून में वो बंद ही रहती है नो मैटर व्हाट मतलब अपने होटल वाले ने अपने को बनाया क्या बोलते हैं उसको पीप वेल ठीक है जो लास्ट टाइम हुआ ये इस बार भी वही हो रहा है बेसिकली अगर आप नवंबर दिसंबर में आओगे केव देख सकोगे लेकिन उस टाइम पे वाटरफॉल्स में उतना पानी नहीं रहेगा और अगर वाटरफॉल्स के लिए आना है तो आपको इस सीजन में आना पड़ेगा और इस सीजन में आओगे तो केव नहीं मिलेगा सो बेसिकली आपको इधर दो बार आना पड़ेगा अगर सब देखना है तो इट्स ट्रिकी बट ठीक है वाटरफॉल्स विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी लेकिन अभी ये तीरथगढ़ वाटरफॉल की तरफ जाने वाला रोड क्या ब्यूटीफुल है छोटा सा रास्ता है लेकिन पूरा एकदम डेंस जंगल में से जा रहा है इट्स सो ब्यूटीफुल मजा आ रहा है इधर गाड़ी चलाने में इट्स जस्ट अराउंड 4-5 किलोमीटर्स नाउ पहुंच जाएंगे डायरेक्टली पहुंचते हैं वहीं पे उचलो तो खरे तीरथगढ़ला पण इकडे वॉटरफॉलला जाण्याच्या आधी आमचं शॉपिंग करून झालंय नवीन नवीन कॅप ती पण पिंक पाहिजे होती पण पिंकवाली ना आमच्या डोक्यापेक्षा छोटी होती म्हणून मग आम्ही युनिव्हर्सल कलर घेतला जो सगळ्या कुठल्या पण ड्रेसवर घालता येईल असा तर फायनली जाऊया वॉटरफॉल बघायला समोरच आहे वॉटरफॉल पण आता मी असं असं वळवून नाही दाखवणार डायरेक्ट तिथे समोर गेल्यावर खाली गेल्यावरच दाखवणार सो पार्किंग के बाद टिकट काउंटर आहे 25 रुपीज पर पर्सन एंट्री फी है और 10 रुपया कुछ तो फॉरेस्ट फी या ऐसा कुछ तो है उनका एंड आफ्टर पेइंग दैट यू हैव टू वॉक डाउन द स्टेयर्स प्रॉपर स्टेप्स बने हुए हैं वी हैव टू वॉक डाउन फॉर अराउंड 5-10 मिनट्स बिकॉज आई कैन सी द एंड पॉइंट ओवर देयर और वहाँ पहुँच के फिर विल बी एट द बॉटम ऑफ द वाटरफॉल वहाँ से आपको पूरा वाटरफॉल ऐसे सामने दिखेगा तो आपको फाइनल व्यू ही दिखाऊंगा मैं ऑल राइट वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ एंड इट्स टाइम टू शो यू हाउ दिस जाइगेंटिक वाटरफॉल लुक्स इट्स सो बिग
वेल यहाँ पे मैं आपको ब्लॉग में इस वाटरफॉल के ज़्यादा कुछ शॉट्स नहीं दिखा रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैंने शूट किया नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ रील्स ऑफ दिस वाटरफॉल। पता नहीं लॉट ऑफ या वन, जो भी शूट करूँगा एक तो रील दिखेगा, पोस्ट दिखेंगे। आई गॉट सम सुपर फ्लूइड मोशन शॉट्स ऑफ दिस वाटरफॉल हियर, सब कुछ इंस्टाग्राम पे दिखेगा। यहाँ पे आपको हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस पता चलेगा। बाय द वे मैं तिथुन स्टार्टिंग का इथुन जो वॉटरफॉल दाखवलेला ना, दैट वॉज ओनली हाफ ऑफ द वॉटरफॉल। वहाँ से आपको ये यहाँ तक का पार्ट ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ से आगे उधर भी देखो कितना बड़ा फ्लो है। तो इट्स फ्रॉम दैट कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, इतना बड़ा वॉटरफॉल है ये, सो अमेजिंग। यहाँ पे एक के बाद एक सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। एक तो ये वॉटरफॉल इतना बड़ा है, ये फर्स्ट सरप्राइज। और अभी यहाँ पे आने के बाद देखा कि पीछे तो इतना बड़ा वाटरफॉल है ही, बट लुक एट दिस, यहाँ से और एक ड्रॉप है एंड आई कैन सी ओवर देयर, वहाँ से और नीचे गिर रहा है वो पानी। लुक एट द रेनबो फॉर्मिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे सामने एक रॉक का फॉर्मेशन बना हुआ है, आई ट्राई टू शो यू, यू कैन सी, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। पूरा पत्थर एक दूसरे पे ऐसे बैठे हुए हैं एंड इट्स ऑल सपोर्टेड बाय अदर स्टोन्स ओनली, देयर इज नथिंग एल्स। पूरा रॉक्स का बना हुआ वो ऐसा फॉर्मेशन है, जैसे एक हाथी की सून होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक उसके जाता। अभी यहाँ पे और एक सरप्राइज मिला वाटरफॉल के एग्जैक्टली सेंटर में, यहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल के बाजू से और नीचे जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं। अभी नेकी और पूछ पूछ जाके देखेंगे, पूछते हैं सर से, दादा क्या है नीचे, हाँ और एक वाटरफॉल है, मतलब ना बोलने का कोई चांस ही नहीं बचता ना अभी, और एक वाटरफॉल है, अभी जाना ही पड़ेगा। चलो ऊपर से मैंने जो बताया था कि नीचे जाने के बाद और एक वाटरफॉल है, अभी यहाँ से वो वाटरफॉल दिख रहा है, और वो ऐसा दिख रहा है ना, लिटरली डरावना दिख रहा है। जस्ट लुक एट दिस, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि यहाँ पहुँचने के बाद अभी तक कितनी बार मैं वाव बोल चुका हूँ, अभी वाव भी नहीं बोल सकता और बार। दिस इज क्रेजी, यहाँ पे तो मैं भी नहीं आया था पिछली बार, ये मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। इफ द फर्स्ट वन वॉज अमेजिंग, दिस वन वॉज इवन बेटर। और अभी इस तरफ और एक प्लेस है जहाँ से एक और वाटरफॉल दिखता है, मतलब इसी वाटरफॉल का एक ड्रॉप, और यहाँ पे नीचे और एक है जहाँ से ये पानी नीचे जाता हुआ दिखता है। तो पता नहीं अभी और आगे क्या क्या दिखने वाला है। राइट नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग थ्रू द जंगल, कुठे चालली आहे नक्की दिवा, मम्माकडे, मम्मा नेईल तिकडे चालली, पण मम्मा कुठे चालली आहे तिला तरी माहिती आहे का, हा तुला तर वरनंच यायचं नव्हतं खाली। प्रियांकाला प्रश्न पडला, एवढ्या पायऱ्या उतरून आलोय खाली, परत वर कसं जायचं, बघू आता काय, ते केव्स बंद आहेत म्हटल्यानंतर आज करायला दुसरा काहीच नाही आहे, अख्खा दिवस जरी इथे लागला तरी फरक काय पडतो, एवढं सगळं बघायला मिळतंय मिस का करा। बाय द वे हे मी बोलत असताना माझ्या फोनवर एक एवढा सुंदर आणि खतरनाक किडा फिरतोय ना, असा कॅमेराच्या बाजूला आहे एक्झॅक्टली, बघा जरा असं वाकून दिसतंय का, बघा कॅमेराच्या जस्ट बाजूला आहे, तुम्ही त्याला हात लावायची पण हिंमत नाही करू शकत, लांब धरलाय तेच बरं आहे, खूप मारू काय, हा उडाला उडाला, अरे इकडं दुसरा भारी, ये वाला भी अच्छा खासा बड़ा वॉटरफॉल है, लेकिन जो पहले देखे ना उसके से कंपैरिजन में अभी ये ऐसा एकदम ऑर्डिनरी लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा, अरे यार ये तो छोटा सा है, इनफैक्ट इट इज़ नॉट छोटा सा, कम से कम ये 50 फुट का वॉटरफॉल है,
बट अभी छोटा सा लग रहा है. लुक एट दिस वॉल. क्या अमेजिंग लैंडस्केप है यार. मतलब सिर्फ पानी, सिर्फ वाटरफॉल नहीं, हर एक चीज़ देखने लायक है इधर. जिस तरह से वो रॉक्स कट हुए हैं, द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, तीनों तरफ से इतनी ऊंची खाई है. फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स और एक स्ट्रीम था जो पूरा क्रॉस करके आया, उसके बाद ये पत्थरों में से उतर के नीचे आया, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस फाइनली आई एम एट अ प्लेस जहाँ से मुझे तीरथगढ़ वाटरफॉल का पूरा ड्रॉप दिख रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. विड्थ पूरा नहीं दिख रहा है लेकिन ड्रॉप पूरा दिख रहा है. लुक एट दिस. सो सबसे पहला वो ड्रॉप था, उसके बाद सेकंड ड्रॉप, ये वाला सेकंड ड्रॉप जहाँ पे मैंने वो रील वगैरह निकाला है, बहुत से 2-3 रील्स लिए यहाँ पे, एंड देन दिस इज़ द थर्ड ड्रॉप. ये पूरा नीचे, फिर यहाँ से आगे नदी बह रही है. एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, जो भी है वो सेकेंड ड्रॉप तक आके वहाँ से वापस. यहाँ पे अभी मैं अकेला हूँ, इवन प्रियंका और युवा भी ऊपर रुक गए क्योंकि स्ट्रीम वगैरह क्रॉस करना था. तो यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ. इट्स नॉट रिस्की एट दिस वाटर लेवल, अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो रिस्की होगा. अभी के लिए इट इज़ सेफ टू वॉक, लेकिन यहाँ तक आने का कोई किसी ने कष्ट किया नहीं है. अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इतना अच्छा व्यू मिल रहा है ना यहाँ पे, और एक रील वीडियो या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कोई शॉट ये तो बनता है. बाय द वे, इस प्लेस की ब्यूटी अगर आपको एक्चुअल आर्टिस्टिक नज़रिए से देखनी है ना, तो आपको इंस्टाग्राम पे ही हमारा हैंडल फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी सिनेमैटिक जाएगा, जो भी अच्छे पोस्ट फोटोज जाएंगे वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे. यहाँ पे तो आपको सिर्फ हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही दिखेगा. चलो अभी बड़े शान से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन अभी वापस भी जाना है ये सब चढ़ के. मज़ा तो आता है ये सब करने में, लेकिन मेहनत भी उतनी लगती है. बट जो एंड रिज़ल्ट मिलता है ना, और उस पर अगर आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार सारी मेहनत रंग लाई. लुक एट दिस नाउ. अभी ऐसे और एक स्ट्रीम क्रॉस करनी है, उसके बाद वहाँ पे प्रियंका और रीवा रुके हुए हैं. बाकी का है ना, घसरून पढ़ लो ना, तो आपका विजन तैसा टेंशन है. अभी वापस ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चल के बात करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊपर चढ़ते चढ़ते दिखा यहाँ पे एक पुराना मंदिर है, और मंदिर के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में ये पूरा वाटरफॉल गिर रहा है. सो आई कुडंट रेजिस्ट, यहाँ पे आके फ़ोटो निकालने का बहुत मन हुआ. अभी प्रियंका और युवा को मैंने आगे भेज दिया है, दे ऑलरेडी स्टार्टेड वॉकिंग अप. अभी मैं दौड़ते भागते हुए उनको कवर अप करूँगा. टाइम टू गो बैक अप. ऊपर जाके एंट्रेंस के पास, पार्किंग के पास बहुत सारे स्टॉल्स है, उसको खाने के लिए ढूंढते हैं वहाँ पे. देन विल सी व्हाट हैपेंस अहेड.